अभी सभी कंपनीज ने एक रेंज सेट कर ली है 20 से 25 हजार की, कि उससे नीचे जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का फोन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी मैंने परचेज किया था ये Redmi Note 11, तो अगर आप भी इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए इसको बाय करने से पहले। तो देखिए, और साथ में मेरे पास एक मतलब ये Redmi Note 7 Pro है जो कि मैंने 3 साल पहले परचेज किया था। दोनों ही फोन 13,000 की रेंज में हैं। एक फोन 3 साल पहले लिया था और एक जो है वो मैं 2022 में परचेज कर रहा हूँ। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2022 में जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे सारे जो बेसिक फीचर हैं वो मिलने चाहिए जो कि मुझे पहले उसमें मिलते थे। सो अप्रोक्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इतनी रेंज में वो चीज़ इसमें मिल जानी चाहिए। तो अभी बात करते हैं इसके फीचर की और इसका जो लुक है उसकी। देखिए, लुक वाइज Redmi Note 11 बहुत बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको जो ये ग्लास पैनल है बहुत ही स्टाइलिश है, और जो ऊपर और नीचे की तरफ आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है वो भी बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में बहुत बढ़िया। इसमें जो कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि जो कमियां हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो मुझे लगी कमी और वो है इसका कैमरा। ये जो सेल्फी कैमरा है इसका, इसको आप देखिए, अगर मैं देखिए ब्लर सा इफेक्ट दिखाता है, ये बहुत ब्लरी सा इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7 Pro। और साथ में जब आप इसमें वीडियो कॉलिंग करते हैं तब तो ये एक्सपीरियंस आपका और भी बेकार हो जाता है। बैक कैमरा ओके ओके है लेकिन Redmi Note 7 Pro के मुकाबले बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो स्पीकर हैं, दोनों तरफ स्पीकर हैं, उनका ये है कि देखिए जो स्पीकर हैं उसकी वजह से, मतलब एक तरफ आपको अच्छी, अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी आवाज़ है, आप सुन सकते हैं। लेकिन जब आप YouTube या Facebook पे शॉर्ट या रील देखते हैं तब होता यह है कि किसी शॉर्ट या रील में आवाज़ कम होती है, किसी में एकदम से ज़्यादा आ जाती है। तो उस टाइम फटाफट जब आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो जो साउंड है ना वो बैलेंस नहीं बना पाता ये फ़ोन। तो फिर आप लगे हुए हैं इस आवाज़ साउंड को कम करने, कभी ज़्यादा करने। सो ये जो बैलेंस मेंटेन करने वाली बात है वो इसमें नहीं है। और कैमरा हो गया, इसका जो मैंने स्पीकर था वो चीज़ बता दी जो मुझे कमियां लगी इसमें। और सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी वो ये थी, Redmi Note 7 Pro में 1080p आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। साथ में आप इसमें 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं 30 FPS में। जबकि Redmi Note 11 आप 2022 में परचेज कर रहे हैं और इसमें आपको सिर्फ 1080p 30 FPS दे दिया हुआ है, मतलब 60 फ्रेम भी नहीं दे रहे हो आप। 4K तो बहुत दूर की बात है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आप इसको पहले देख लेना। तो अगर आप एक कैमरा के लिए फ़ोन परचेज कर रहे हैं तब तो मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और बाकी अगर आप जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं, आपको स्लो मोशन फास्ट चीज़ें ये बनानी है तो 30 फ्रेम पर सेकेंड ही आपको इसमें सपोर्ट मिलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत होने वाली है। कैमरा का हो सकता है आने वाले टाइम में अपडेट वगैरह करके कुछ इम्प्रूवमेंट कर दें, फिलहाल जो है वो कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 1 से 1.5 दिन जो है वो आराम से आपको ये बैकअप दे देता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।